नमस्कार दोस्तों, नॉलेज आईक्यू टीवी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, अप्रैल 8 तारीख 2022 को आरबीआई गवर्नर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है मॉनिटरी पॉलिसी को लेकर, और उस पॉलिसी में बताया है कार्डलेस ट्रांजेक्शन होगा इस बार एटीएम से। दोस्तों, अभी जो कार्डलेस ट्रांजेक्शन होता था, अभी कुछ ही बैंकों में होता था, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो ऐप, आईसीआईसी बैंक का आई मोबाइल ऐप, उसके साथ साथ बॉब का कुछ था। लेकिन अभी कार्डलेस ट्रांजेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर। इसमें बता रहे हैं, एट प्रेजेंट द फैसिलिटी ऑफ कार्डलेस कैश विड्रॉल थ्रू एटीएम्स इज लिमिटेड ओनली टू few banks. It is now proposed to make cardless cash withdrawal facility available across all banks and ATM networks using the UPI in addition to exchanging case of transaction, the absence the need of physical card for such transaction would you help prevent frauds such card skimming, कार्ड क्लोनिंग एक्सेट्रा। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है आरबीआई का। जैसे योनो का कार्डलेस जो ट्रांजैक्शन है बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों, मेरा ओपिनियन ये है दोस्तों, सारे जो इंडिया में जो एटीएम फैसिलिटीज है, सारे एटीएम में कार्डलेस ट्रांजैक्शन का फीचर्स ऐड कर देना चाहिए। इसमें फ्रॉड से भी बचा जाएगा, उसके साथ साथ आपका कार्ड का जो क्लोन कर लेते हैं उससे भी बचेंगे आम नागरिक। बहुत ही एक ग्रेट स्टेप है आरबीआई गवर्नर का। इसके बारे में आपका क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। जुड़े रहिए नॉलेज आईक्यू टीवी के साथ। थैंक यू।